किसान मेरा सत श्री अकाल जी। तो वीर जी हमको ये ट्रैक्टर के बारे में बताइए, ऐसा 241 दूसरे ट्रैक्टर से क्या क्या खासियत है? इसके बहुत से खासियत मैंने देखा है, तो आप हमको डिटेल से बताइए कि इसमें क्या क्या खासियत है। आइशर 241 ट्रैक्टर जो पहली बात तो सबसे प्राइस में कम है, सारे ट्रैक्टरों के मुकाबले प्राइस इसकी कम है। सेकेंड, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी, डीजल का खर्चा सब ट्रैक्टरों से कम है। जितने भी इसके मार्केट में कॉम्पिटिटर ट्रैक्टर हैं 24 HP या 25 HP के, उनके मुकाबले में सबसे कम डीजल खाता है ये। तो ये कितने एचपी का है वीर जी? ये 25 HP का। हाँ जी 25 HP का ट्रैक्टर है, सिंगल सेंटर है, और इसकी इसमें कोई रेडिएटर नहीं है। हाँ जी, ना ही कोई इसका वाटर बॉडी का जनरेटर है, कोई जनरेटर नहीं है, एयर कूल्ड है, जैसे मर्जी इसको मिट्टी धूल में जैसे मर्जी चलाते रहो। और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जीरो है, कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है इसकी, क्योंकि सामान्य किसान यही ट्रैक्टर यूज करते हैं काफी। हाँ जी मैक्सिमम जो छोटा किसान ले लो वो तो करता ही करता है, बड़ा किसान भी साथ में इसको रखता है, छोटा ट्रैक्टर एक। बड़े के पास बड़ा ट्रैक्टर है, साथ में छोटा ट्रैक्टर इसके आइशर को ही लेता है। क्योंकि डीजल का खर्चा ऑलमोस्ट इसका 1 लीटर में 20-22 किलोमीटर निकालता है रोड पे। और जैसे जुताई करना होगा तो कितना? जुताई करना हो तो 1 घंटे में नियर अबाउट 3 से 3.5 लीटर तेल खाता है। बाकी ट्रैक्टर तो अब आ रही हो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर खाते हैं। हाँ। तो ये सबसे कम खर्चे वाला ट्रैक्टर है और प्राइस में भी कम है, और कस्टमर की जो लोन की किस्त है वो डीजल में से निकाल के पूरी कर देता है। हाँ जी। और जैसे इसका गियर क्लच? हाँ, इसका जो वैसे कंपनी की तरफ से इसकी वारंटी 1 साल की है। हाँ जी। इसमें गियर 5-स्पीड गियर बॉक्स लगा हुआ है। हाँ जी। और 2 बैक गियर है इसमें, और ऑटोमेटिक कंट्रोल लिफ्ट है, और ऑयल ब्रेक में आ गया ये। अच्छा, पहले ऑयल ब्रेक दे दिया। हाँ, ऑयल ब्रेक आ गए इसमें, पहले सुखे ब्रेक आते थे। हाँ। अब इसमें ऑयल ब्रेक आ गए। ऑयल ब्रेक की मतलब लाइफ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ब्रेकों की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बार बार खुलते थे। हाँ जी, तो अब ऑयल ब्रेक आ गए, ऑयल ब्रेक से मतलब इसकी ब्रेकों की लाइफ और ज्यादा बढ़ गई। हाँ जी। तो ट्रॉली पे इसको जैसे मर्जी यूज करो, ब्रेक नहीं खराब होंगे इसके। हाँ। बाकी इसकी इंजन की ओवरऑल की कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 हजार रूपए है सारी। हाँ जी। जबकि दूसरे ट्रैक्टर कम से कम 25-30। खासियत है बता दीजिए वीर जी, जैसे इसमें और क्या है? बाकी इसकी बोनट शीट मेटल जो है दूसरे ट्रैक्टरों से काफी हैवी है। इसका बोनट और मडगार्ड है जो दूसरे ट्रैक्टरों से कम से कम 10-12 साल ज्यादा लाइफ है। हाँ जी। ये कौन सा काम के लिए दिए हैं वीर जी? ये अगर ट्रैक्टर की बैटरी, ये जो दिया है ये अगर बैटरी ट्रैक्टर की खराब हो जाए तो इसमें साथ में एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया हैंडल स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी। तो इसको टस बोलते हैं, इसको ऊपर उठा के अगर स्टार्ट करेंगे हैंडल से तो इजीली स्टार्ट हो जाएगा ये। हाँ जी। तो बैटरी की कॉस्ट भी बच जाती है उससे। बैटरी कई बार लो हो जाती है। हाँ जी। तो स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं, अकेला आदमी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी टायर तो अभी 4x4 तो नहीं होगी? नहीं, 4x4। और ये इसका स्टेरिंग पावर स्टेरिंग है कि सिंपल? नहीं, है सिंपल स्टेरिंग, पर राणे का स्टेरिंग लगा हुआ है इसमें। राणे कंपनी जो इंडिया की सबसे बढ़िया कंपनी है उसका स्टेरिंग लगा हुआ है राणे का। बाकी काफी पुरानी कंपनी है, लगभग कितने साल हो गया अभी चलते इसको? ये 65 से चल रही है। हाँ जी। बहुत हो गया, लगभग 70 सेवा भी हो गया। हाँ जी। और काफी पसंद भी बनी हुई अभी भी किसानों की। पूरी डिमांड है जी इसकी, कस्टमर की पहली पसंद है, छोटे ट्रैक्टरों में सबसे ज्यादा इसकी सेल है, किसी भी कंपनी का छोटा ट्रैक्टर नहीं, यही आइशर का ही छोटा बिकता है जितना। तो वीर जी अभी इसकी मार्केट में प्राइस की बात करें तो कितनी प्राइस होगी अभी इसकी? 3.5 लाख रुपया प्राइस है जी। हाँ जी। बाकी कंपनी की तरफ से स्कीम चल रही है जिसमें RC और इंश्योरेंस, अगर मेले में कोई बुक करवाता है तो उसकी RC इंश्योरेंस फ्री दी जाएगी साथ में। हाँ जी। लगभग कॉस्ट 12-13 हजार रूपए कॉस्ट। हाँ जी। बाकी सामान्य किसानों के लिए बहुत ही अच्छा ट्रैक्टर है। इसके नाल हुक छतरी और दूसरा अपना टॉप लिंक टूल किट एक्सेसरी सारी साथ में फ्री है, क्योंकि ये सभी एरिया में चलता है, अपने एरिया में भी चलता है। हाँ जी, सभी टोटल ऑल ओवर इंडिया चलता है। ऑल ओवर इंडिया ही चलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी। ठीक है जी सर, थैंक यू जी।